आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक कवर करूंगा उसमें जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिसको हम नेम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट्स में जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको देख रहे होंगे, एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंस, सिमेट्री, इक्वल, पैरेलल, ये सारे कंस्ट्रेंट ऑप्शंस जो आपको ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं, ये जो आपको टूल बार दिख रहा है कंस्ट्रेंट के नाम से, जो पैनल दिख रहा है, इसके टूल्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इनका क्या बेसिकली यूज़ होता है, कहाँ पे इनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ये जो टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस करूंगा ये आगे जाकर स्केचेस ड्रॉ करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार होता है कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप देख रहे होते हैं कि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल का वी यहाँ टाइप हो जाता है, वो वर्टिकल लाइन हमारी ड्रॉ हो भी जाती है, ठीक है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि एक हॉरिजेंटल लाइन मेरे को इधर पर ड्रॉ करना है, तो देखिए जब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहा है तो हॉरिजेंटल का एच कंस्ट्रेंट, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कहलाते हैं। जैसे वी था, एच था, ये सब क्या हैं, ज्योमेट्रिकल, मतलब आपने एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन लगाया हुआ है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन लगाया है कि ये लाइन वर्टिकल होनी चाहिए तो ये वर्टिकल ही रहेगी। आपने एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन लगाया है कि ये लाइन हॉरिजेंटल होना चाहिए तो ये हॉरिजेंटल ही रहेगी। लेकिन अगर मैं लाइन को ऊपर नीचे कहीं पे भी लेके चला जाता हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पे भी, देखिए मान लीजिए अगर हॉरिजेंटल नहीं बन पाती है, किसी वजह से लाइन हॉरिजेंटल नहीं बन पा रही है और मैंने लाइन को ही क्लिक कर दिया, अब मेरे को बाद में पता चलता है कि ये लाइन मेरे को हॉरिजेंटल चाहिए था, तो हम इसको मैन्युअली हॉरिजेंटल कर सकते हैं। किसके थ्रू? कंस्ट्रेंट पैनल के थ्रू। इसमें सारे ऑप्शंस हैं, हम हॉरिजेंटल वर्टिकल कर सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे टूल है, टूल का नेम है हॉरिजेंटल। जब मैं हॉरिजेंटल क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए हॉरिजेंटल हो जाएगा। सिमिलरली यही सेम केस वर्टिकल के साथ भी, अगर मेरे को सपोज एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती बट बाय मिस्टेक मेरे से वर्टिकल लाइन नहीं बन पाई, तो मैं इसको मैन्युअली वर्टिकल कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रेंट पिक करूँगा, वर्टिकल क्लिक करके जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये लाइन क्या हो जाएगी, हमारी वर्टिकल हो जाएगी। तो सिंपल है, जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होनी थी बट नहीं बन पाई है तो आप इसको मैन्युअली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट ऑप्शन पे। अब देखिए ये क्या होता है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इस लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन कनेक्ट करनी है। अब होगा क्या कि मैं जब सपोज इसके मिड से ही, देखिए ये जैसे लाइन का एंड पॉइंट शो करता है, जब आप मिड के पॉइंट के लाइन के मिड के आसपास कर्सर लेके जाते हैं तो मिड पॉइंट शो कर देता है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है, बट बाय मिस्टेक मैं परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना पाया, सपोज लाइन परपेंडिकुलर नहीं बनी, ठीक है, या फिर सपोज ये टू लाइन्स थी, ये लाइन इंक्लिनेशन में है, अब इसी के 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर पे मेरे को एक लाइन और बनानी है ये, बट ये देखिए परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है, आप देखें ये जो एंड है, इस एंड के पास आपको परपेंडिकुलर का साइन दिख रहा है, बट इनकेस अगर आप परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना पाए तो आप कैसे ये दो के बीच में परपेंडिकुलर डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट में बोथ लाइन को आप सिलेक्ट करिए, ये बोथ लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं इसको और इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस केस में तो हम इसको हॉरिजेंटल भी कर सकते थे, तो हॉरिजेंटल के केस में भी ये वर्टिकल हो जाता, बट अगर ऐसा कुछ इंक्लिनेशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें वर्टिकल करने के लिए आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि सपोज मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जब सर्कल की ड्राइंग बनवाया था ये लाइन सर्कल मैंने बनाया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कल और ये लाइन के बीच में टेंजेंसी होनी थी, तो आप जब टेंजेंट ऑप्शन पिक करेंगे, इस सर्कल को और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये अपनी पोजीशन में रहेगा कि ये अपनी पोजीशन से उठकर इधर आएगा, तो देखिए डिपेंड करता है। अभी देखिए ना ही मैंने इसको कोई डायमेंशन दिया है, ना ही मैंने इसको कोई डायमेंशन दिया, मतलब मैं अगर इसको डायमेंशन दे देता हूँ कि ये 350 है, ये 400 है, ये लाइन का लेंथ 500 है, ये लाइन से इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट हो गया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी हमको, ठीक है, इस लाइन का लेंथ 500 है। तो अब देखिए ये पूरा पोर्शन जिसमें मैंने डायमेंशन दिया ये फिक्स्ड है, तो अभी अगर मैं टेंजेंसी लूँगा और मैं
इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर देन इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये लाइन अपनी पोजीशन पर रहेगी, सर्कल अपने आप को एडजस्ट करेगा उस लाइन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अभी देखिए सर्कल का डाया चेंज हो रहा है, मैं चाहूँ डाया चेंज ना हो, तो अगर आप सर्कल का डाया या रेडियस जो भी है वो आप वैल्यू दे देते हैं 350, तो अब ये वैल्यू भी फिक्स हो गई। अब सर्कल सिर्फ अपनी पोजीशन को चेंज करके इस लाइन से टेंजेंशियली कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी कोई भी लाइन अगर टेंजेंशियली नहीं है तो आप इसके थ्रू टेंजेंशियली कर सकते हैं। अब सपोज मैं अगेन चाह रहा हूँ कि मेरे को ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट चाहिए था, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो देखिए ये सर्कल देखिए टेंजेंट हो गया, मतलब ये सर्कल और ये लाइन के बीच में टेंजेंसी ये डिफाइन हो गई। अगर ये लाइन को आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये टेंजेंशियली ही एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। मैं इस एंड के थ्रू आपको मिडिल माउस बटन, पहले टूल को कैंसिल किया, मिडिल माउस बटन के थ्रू देखिए ये मैं मूव भी करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये इससे टेंजेंसी लेती हुई ही लाइन बन रही है, क्लियर। तो ये था टेंजेंट। इनकेस अगर कभी आपको कोई लाइन टेंजेंट बनानी होती है तो आप इसके थ्रू टेंजेंशियली लाइन को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मिड पॉइंट की, क्या होता है। मैं अगर सपोज चाह रहा हूँ कि मेरे को इस लाइन के मिड से एक लाइन ड्रॉ करनी थी, बट बाय मिस्टेक मैंने लाइन का मिड पॉइंट को मिस करते हुए इस लाइन को बना दिया। अब मैं चाह रहा था कि ये लाइन तो इसके मिड में हो, तो हम इसको मिड में ला सकते हैं, ये हमारे पास है मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस टूल को पिक करना है और सबसे पहले वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसको मिड पॉइंट पे रखना है, फिर देन वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके मिड पॉइंट पे रखना है, समझ गए आप। एक बार और बताता हूँ, मैंने सपोज एक लाइन ये बनानी है, इसके मिड से बनानी है, बट बाय मिस्टेक मैं मिड पे नहीं बना पाया, तो मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पिक करके सबसे पहले वो पॉइंट, फिर देन वो लाइन जिसके मिड को हमें मैच करना है, तो ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट में आ जाएगा। आगे समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोइंसिडेंस, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है, ये यूज होगा। देखिए इन केस आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब मैं सेम सेंटर पॉइंट को लेते हुए एक सर्कल और ड्रॉ करना चाहता हूँ, बट बाय मिस्टेक मैं सेंटर को मिसमैच कर लिया, दोनों सर्कल के सेंटर क्या हुए मैच नहीं हुए। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि दोनों सर्कल के सेंटर आपस में कोइंसाइड हो जाए तो वो हम किसके थ्रू करेंगे, ये कोइंसिडेंस टूल के थ्रू। कोइंसिडेंट में क्या करेंगे, हमने एक सेंटर एंड देन सेकेंड सेंटर जब सेलेक्ट किया तो ये कॉन्सिडेंस होगा। बट देखिए अभी इसने ऑटोमेटिकली कोई दूसरा कंस्टेंट पिक करके रखा हुआ, देखिए ये बता रहा है, एक कंस्टेंट बता रहा है कि आप कॉन्सिडेंस का लगा रहे हैं, एक कंस्टेंट बता रहा है ऑन हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो इसने क्या किया है, कहीं से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंस्टेंट पिक कर लिया, तो मैं इस कंस्टेंट को क्या करूँगा अगर डिलीट करूँगा तो देखेंगे दोनों सेंटर क्या हो जाएंगे मैच होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैं देखिए ये न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इससे ये क्या करता है कंस्ट्रेंट पिक करने की कोशिश करता है। देखिए मैं कहीं पे भी लाइन को लेके जा रहा हूँ, ये किसी ना किसी लाइन से क्या करता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट पिक करने की कोशिश करता है। तो इनकेस अगर ऐसा होता है तो वो कंस्ट्रेंट मान लीजिए कहीं से पिक कर लिया, तो फिर हमें उसमें क्या करना होता है, उस कंस्ट्रेंट को अलग करना होता है, डिलीट करना होता है, क्योंकि जब हम कोई दूसरा कंस्ट्रेंट उसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो ये बोलेगा कि ये प्रीवियस कंस्ट्रेंट इसको कनेक्ट होने नहीं दे रहा है। और इनकेस अगर आप चाह रहे हैं कि कंस्ट्रेंट ये पिक ही ना करे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वर्टिकल लाइन बन रहा है, हम चाह रहे हैं वर्टिकल लाइन बने ही ना, ये किसी से कंस्ट्रेंट पिक ही ना करे, जैसे ये कंस्ट्रेंट पिक कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये लाइन इस लाइन के इस एंड से अगर मैं यहीं पर क्लिक कर दूंगा तो इस एंड से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं शिफ्ट बटन दबा देता हूँ तो शिफ्ट मीन्स होता है सारे ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट को डिसेबल कर देना, किसी भी ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट को ये अब पिक नहीं करेगा, देखिए डिसेबल्ड हो गए। अब आप कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे लाइन को रखेंगे लाइन आ जाएगा, बट प्रॉब्लम इसमें ये भी रहेगी कि ये लाइन अब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लेगा, इवन ये वर्टिकल भी नहीं लेगा। तो आपको अगर इसको वर्टिकल करना है तो इसको सेलेक्ट करके या आपको वर्टिकल कंस्ट्रेंट पिक करके इसको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्टिकल होगा। जब आप शिफ्ट बटन दबाते हैं मतलब शिफ्ट का ये है कि किसी भी कंस्ट्रेंट को हमें पिक ही नहीं करना है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट, तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ सिमेट्री में, सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या होता है। पहले इसके पहले मैं ये पूरा स्पेस खाली करता हूँ। देखिए सिमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या है, अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले मिरर टूल बताया था। मिरर टूल में क्या था, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट एक सेंटर लाइन के अबाउट मिरर हो जाए,
मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन एक्सिस के अबाउट मिरर कर दिया। तो आप देख रहे होंगे ये जब मिरर होता है तो मिरर में ये एरोस दिख रहे हैं आपको, ये एरोस जो दिख रहे हैं ये एरो सिमेट्रिक एरो होते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रेंट। तो ये सिमेट्री क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखिए, एक तो मैंने बताया कि मिरर करके आप बनाइए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और आपको बाद में लगता है कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए था, तो आप सिमेट्रिकल मैन्युअली भी कर सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल जो है इस एक्सिस के अबाउट इक्वल डिविजन के साथ हो, मतलब अगर मैं इसको वैल्यू देता हूँ कि ये 800 है और मेरे को अगर ये इक्वल डिस्टेंसेस में रखना है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये और ये लाइन के बीच में क्या दे दूंगा, 400 दे दिया, तो ये तो सिमेट्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। बट ये जो डिस्टेंस मैंने दिया, ये मैंने डिस्टेंस किसके थ्रू दिया, ये डिस्टेंस मैंने, मतलब ये जो कंस्ट्रेंट मैंने किया मैंने किसके थ्रू किया, मैंने डायमेंशन के थ्रू कंस्ट्रेंट किया। बट हम चाह रहे हैं कि ये कंस्ट्रेंट ज्योमेट्रिकली हो, ज्योमेट्रिकली मतलब जब ये 800 है तो मैं अगर इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकल रिलेशन लगा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हाफ हाफ में डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, तो वो मैं देखता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने आपको जैसे पहले बताया मिरर टूल में कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या मिरर टूल यूज़ करने के लिए सेंटर लाइन होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा, वो लाइन जिस लाइन के अबाउट ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल कराना है। तो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ किया, अब मैं यहाँ पर कौन सा टूल यूज़ करूँगा, ये सिमेट्री टूल। जब सिमेट्री टूल आप पिक करते हो तो सबसे पहले ये सेंटर लाइन को सिलेक्ट करने को बोलता है, तो आपने सेंटर लाइन ये सिलेक्ट किया, जैसे ही सेंटर लाइन सेलेक्ट किया तो फिर ये टू वर्टेक्स आपस में सिमेट्री होने उनको सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट इसको सेलेक्ट किया, तो देखिए ये वर्टेक्स हो गया, सॉरी सिमेट्रिकल हो गया, क्लियर है आपको, ठीक है। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने अगर ड्रॉ किया है और आप चाह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपस में सिमेट्रिकल हो जाए, तो आप किसके थ्रू कर सकते हो, सेंटर लाइन ड्रॉ करके टू पॉइंट्स पहले से। एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिमेट्री लिया, सबसे पहले सेंटर लाइन, फिर देन टू वर्टेक्स, मैं चाहूँ तो वर्टेक्स बॉटम साइड के भी सिलेक्ट कर सकता था, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा। अब देखिए इसने जब एक कंस्ट्रेंट पिक किया है, तो अब मैं अगर चाहूँगा भी कि मेरे को इनको बीच में ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 400 डिफाइन करना है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 400 देना, तो ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है ओवर कंस्ट्रेंट, ये क्या हो गया है, ओवर कंस्ट्रेंट हो गया, क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया। अब ये बोलता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें अपनी वैल्यू, सपोज आप चाह रहे हैं कि मेरे को 500 चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपने सिमेट्री दिया ये 800 है और ये 500 करेंगे तो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा वो 300 बचेगा। तो ये बोल रहा है लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसको 500 ही देना है, तो आपको जो कंस्ट्रेंट है ये सिमेट्री, जो भी ये जो कंस्ट्रेंट शो कर रहा होता है इसमें, ये मतलब ये जितने भी कंस्ट्रेंट इस पूरे ड्राइंग में लगे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट आपको शो करता है, उसमें ये बोल रहा होता है कि आप देखिए कि आपके काम का कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है। तो जैसे अगर मैं सिमेट्रिकल कंडीशन को कंस्ट्रेंट को अगर डिलीट कर दूंगा तो फिर ये 400 वाले डायमेंशन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमें इसको सिमेट्री नहीं रखना है, इसको 500 करना है, तो आप 500 कर सकते हैं, तो 500 ये होगा तो रिमेनिंग ये 300 होगा। ये आ गया आपको समझ में सिमेट्री। अब सिमेट्री के बाद मैंने जो अगला कंस्ट्रेंट यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो है इक्वल। इक्वल कंस्ट्रेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे अगर आपने किसी लाइन को ड्रॉ किया है, ठीक है, अब सपोज मेरे को एक लाइन और ड्रॉ करना है, तो जैसे ही मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो एल आप देखेंगे इस लाइन का लेंथ का कंस्ट्रेंट ये पिक कर लेता है, मतलब अगर आपने ये कंसिडर करते हुए लाइन को बनाया है तो जो भी लेंथ इसको देंगे वही लेंथ इसमें भी आएगा। बट सपोज आपने कोई और भी लाइन ड्रॉ करी बट वो लाइन में कंस्ट्रेंट जो है आप अप्लाई इक्वल नहीं कर पाए और आपको बाद में लगता है, बाद में ये लगता है कि ये लाइन और ये लाइन, ये थ्री लाइंस इक्वल होनी चाहिए, तो आप जब इक्वल कंस्ट्रेंट पिक करके इसको इसको और इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए L3 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 हो गया, ये L2 L2 तो ऑटोमेटिक ले लिया था, L1 L1 ऑटोमेटिकली ले लिया था। सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो, तो मैं जब यहाँ पे इक्वल क्लिक करके इसको भी क्लिक करूँगा और जब इस पर क्लिक करूँगा देखिए लेंथ इक्वल हो जाएगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है इक्वल लेंथ, कोई भी ऑब्जेक्ट को इक्वल करना है, ज़रूरी नहीं है लाइन के लेंथ ही हो, सर्कल का रेडियस डायमीटर भी हम इक्वल कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल करवा सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टूल जो इसका ज़्यादा यूज होगा नहीं, वो है पैरेलल। पैरेलल क्या है? अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है इंक्लिनेशन में सपोज, अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन और हमें ड्रॉ करना है इंक्लिनेशन में ही, बट जब हम इंक्लिनेशन में ड्रॉ कर रहे हैं तो देखें मतलब इसके पैरेलल करना है, तो जब इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो पैरेलल कंस्ट्रेंट आता है, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट पिक कर रहा है, बट इनकेस ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट पिक ना करे या आपसे बाय मिस्टेक आपने पैरेलल नहीं रख पाए तो आप मैन्युअली पैरेलल कर सकते हैं। आपको पैरेलल कंस्ट्रेंट पिक करके दोनों ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट्स की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी भी स्केचेस को ड्रॉ करते हैं, जब हमें स्केचेस को क्या करना होता है, कंस्ट्रेंट करना होता है, तो किसी भी स्केच को अगर कंस्ट्रेंट करना होता है तो उस केस में पैरेलल कंस्ट्रेंट हमें बहुत यूजफुल होता है। तो अभी आपने क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स मैंने ये जो आपसे डिस्कस किए हैं इसी को यूज़ करते हुए अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी ड्राइंग्स भी, मतलब ड्राइंग्स तो बनाएंगे ही साथ ही साथ इसमें ये कंस्ट्रेंट्स भी हो सकता है हम लोग यूज़ करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।